फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है किसी बार में स्ट्रेस और उसकी लेंथ में एक्सटेंशन या उसकी लेंथ में चेंज ड्यू टू द रोटेशन। अगर कोई बार रोटेट हो रही है किसी एक्सिस के अबाउट, तो उसमें कितना स्ट्रेस और कितना उसकी लेंथ में चेंज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक बार कंसिडर की है जिसकी लेंथ एल है, मान लिया। इस बार में हम एक एलिमेंट्री पोर्शन यानी छोटा सा भाग मानते हैं, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं, नेम इसको दे देते हैं, ये एस टी है। और मान लेते हैं ये एंड जो पोर्शन है, पॉइंट है, वो एम है, और ये हम मान लेते हैं एल है। सो हमें क्या करना है, इस बार में स्ट्रेस और इसकी लेंथ में चेंज निकालना है। तो हम मान लेते हैं ये जो बार है ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रही है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है कैपिटल ए, और जो डेंसिटी है इसके मटेरियल की वो हमने मान ली। हमने यहाँ एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया जिसकी हम लेंथ मान लेते हैं, इसकी लेंथ है डी एक्स, ठीक है, डी एक्स हमने लेंथ मान ली। और इसकी जो इस एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है, यहां से जो डिस्टेंस है वो मान ली हमने कितनी है, वो एक्स है। अगर इस एस टी पोर्शन में जब ये रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो इस एस टी पोर्शन में एक टेंसाइल फोर्स काम करेगा, कारण उसका इस टीएम सेक्शन में लगा हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, क्योंकि ये रोटेट हो रही है इस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, और ये जो बार है ये वाई एक्सिस और ये बार, हम मान लेते हैं ये वाई एक्सिस और ये बार रोटेट होगी इसके अबाउट, ठीक है, ओमेगा से, ओमेगा कोणीय वेग से। तो यहां से यहां टीएम में जो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्ट होगा इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट में, टीएम सेक्शन के बिल्कुल मिडिल पॉइंट में, और वही कारण होगा इस एसटी में टेंसाइल फोर्स का। हम पहले टेंसाइल फोर्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंसाइल फोर्स एट सेक्शन एस टी इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल इन सेक्शन टीएम, ठीक है, सेक्शन टीएम में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वही कारण है एसटी पर टेंसाइल फोर्स का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई बार रोटेट हो रही है एंगुलर स्पीड से, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मास इनटू एंगुलर स्पीड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हमें यहां पर एम एंड आर चाहिए। एम हम कैलकुलेट कर लेते हैं, किस पोर्शन की बात करिए, टीएम की, तो टीएम का मास कितना होगा, फ्रेंड्स जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का वो आपको पता होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से मास हमारे पास आ जाएगा रो इंटू वी, एंड यहां पर जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या रहेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ ऑफ द सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, लेंथ ऑफ द सेक्शन यहां से यहां तक की हमें लेंथ चाहिए। अब फ्रेंड क्योंकि ये जो डिस्टेंस है dx ये बहुत स्मॉल है, इसलिए हम जो डिस्टेंस अभी कंसिडर करेंगे s से m तक की, ठीक है, तो s से m तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, यहाँ y एक्सिस से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है l बाई टू, क्योंकि टोटल लेंथ हमने मानी है l। सो एक साइड की इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है उससे एक साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी l बाई टू। ये यहां से यहां तक तो l बाई टू है, लेकिन हमें चाहिए s से m तक की, तो s से m तक की कैलकुलेट करने के लिए हम l बाय टू में से अगर x माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा l बाय टू माइनस x। मास हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हम बात करते हैं r की, रेडियस r इज इक्वल टू, r कहां पर है, r क्या है फ्रेंड, इस y एक्सिस से जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा हुआ है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो r है। अब हमें ये r ही कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने यहां से यहां तक की वैल्यू कैलकुलेट करी है, एस से एम तक की वो कितनी थी, एल बाय टू माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए वाई एक्सिस तक की, इस पॉइंट से वाई एक्सिस तक की, तो पहले इस पॉइंट की यानी एस एम के मिडिल में है, ये एस एम के मिडिल में है, तो क्या हो जाएगा, यहां से ये जो यहां से यहां तक यानी एस एम की जो लेंथ थी उसका हाफ हो जाएगा यहां से यहां तक, और प्लस ये कितनी है, यह है एक्स। आर हमारे पास हो जाएगा क्या, एक्स प्लस एल बाय टू माइनस एक्स और इसका हाफ। एक बार और देख लेते हैं, आर जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसका हाफ और प्लस एक्स,
यहां से यहां तक था l बाई टू माइनस एक्स, उसका हाफ और प्लस x। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस l बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। ठीक है, तो यहां हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी कितनी, r इज इक्वल टू आ जाएगी माइनस एक्स बाय टू और प्लस x है, तो प्लस का x बाय टू बचेगा और प्लस l बाय फोर। ये जो वैल्यू है r और m, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। So, tensile force at ST is equal to क्या आ जाएगा हमारे पास, मास आया है हमारे पास rho into a into l by 2 minus x और multiply by omega square और r की जगह x by 2 plus l by 4। ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। So, rho into a into omega square L by 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एल एक्स बाय फोर, एल बाय टू की एल बाय फोर में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एल स्क्वायर बाय एट माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एल एक्स बाय फोर। ओके, सो यहां से एल एक्स बाय फोर एल एक्स बाय फोर से कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम वन बाय टू बाहर कॉमन ले लेंगे, तो वन बाय टू रो इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर और यहां से क्योंकि 1 बाय टू बाहर हमने एलसीएम बाहर कॉमन ले लिया है एल स्क्वायर बाय 4 और माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये तो टेंसाइल फोर्स है एट एसटी, एसटी पर टेंसाइल फोर्स इतना है। अब हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेस एट एसटी। सो स्ट्रेस का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया है ए। तो फोर्स हमने भी कैलकुलेट किया है, फोर्स आया है हमारे पास 1 बाय टू इंटू रो इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास इस पर स्ट्रेस रहेगा 1 बाय टू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसमें कितना मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। सो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस का मतलब है एक्स बराबर जीरो, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू कितनी है जीरो। ठीक है, एसटी पर एक्स की वैल्यू एक्स थी, वाई एक्सिस पर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस कहां होगा, जहां पर एक्स इज इक्वल टू जीरो है। सो सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर और यहां पर x जीरो हो गया तो इंटू एल स्क्वायर बाय 4। ये हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी। तो अगर कोई बार रोटेट हो रही है तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा, ये जो आपके सामने है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्सटेंशन इन बार। एक्सटेंशन इन बार हम निकालेंगे कैसे, यहां पर ये जो ST है इसमें हम पहले लेंथ में चेन निकालते हैं, हम यहां पर स्ट्रेन का फॉर्मूला लगाते हैं, स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला है अनुदैर्ध्य विकृति का अपॉन एक्चुअल लेंथ। और फ्रेंड्स हुक्स ने हमें बताया था जो स्ट्रेन होता है वो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। चेंज इन लेंथ, एसटी पोर्शन की बात करिए तो एसटी की लेंथ में चेंज हमने अभी ऐसे ही हम इसको लिख लेते हैं, चेंज इन लेंथ और एक्चुअल लेंथ को हम इधर लेके जाते हैं। एक्चुअल लेंथ कितनी है, एसटी की एक्चुअल लेंथ कितनी है इंटू डी एक्स। ठीक है, सो एक्चुअल लेंथ हमारे पास आ गई है डी एक्स, ये चेंज इन लेंथ है ये जो एसटी पोर्शन है इसमें। अब हमें चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में चेंज निकालना है जो टोटल लेंथ है एल में। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास ये इस छोटे से पोर्शन के लिए आई है, लेकिन ये जो एल बाय टू लेंथ है इस बार की ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन से मिलकर बनी होगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस इक्वेशन का इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास एल बाय टू लेंथ में चेंज आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए एल लेंथ में। तो एल लेंथ में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं फिर यहां पर चेंज इन लेंथ, सो चेंज इन लेंथ एल, टोटल लेंथ एल में हमें चेंज निकालना है
तो हम क्या करेंगे, डेल एल मान लेते हैं, चेंज इन लेंथ कितना होगा, डेल एल मान लेते हैं। सो डेल एल 2 मल्टीप्लाई बाय, इसका हम इंटीग्रल करेंगे, जो हमारे पास लिमिट रहेगी वो रहेगी 0 टू एल बाय 2। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्योंकि हम इंटीग्रल कर रहे हैं एक साइड में जो पोर्शन है उसका, यानी एल बाय 2, यानी x की वैल्यू 0 से एल बाय 2 रहेगी, इसलिए हम लिमिट क्या रखेंगे, 0 से एल बाय 2 और सिग्मा अपॉन ई इंटू डी एक्स। ठीक है, सो 2 इंटू सिग्मा ई बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास थी, अभी हमने कैलकुलेट करी थी, सिग्मा इज इक्वल टू ये आया था हमारे पास 1/2 इंटू रो इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रो इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई डेल एल। ठीक है, और यहां से हम इसका इंटीग्रल कर देते हैं, क्या बचा है हमारे पास, और मल्टीप्लाई में dx भी है फ्रेंड्स, इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल कर देते हैं, इंटीग्रल करेंगे क्योंकि ये एल स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 4 माइनस इसका हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और 0 टू एल बाई 2। अब हम क्या कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, रो इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई, लिमिट एल बाय 2 रखेंगे एक्स की जगह, एल स्क्वायर इंटू एल बाय 2 अपॉन 4 माइनस इसकी जगह रखेंगे एक्स की जगह एल बाय 2 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो हम रखते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रो इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ई, 4 की मल्टीप्लाई में जाएगा और ये हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 8 माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा 2 का क्यूब और इंटू 3 है तो 24। ओके, तो यहां से ये अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास डेल एल की वैल्यू आ जाएगी। हम 24 एलसीएम ले लेते हैं, 3 एल क्यूब माइनस एल क्यूब, ठीक है, सो अपॉन ई इंटू 2 एल क्यूब बचेगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल क्यूब अपॉन 12 आ जाएगा। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ रहेगा, तो अगर कोई बार रोटेट हो रही है तो किसी वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से, तो मैक्सिमम स्ट्रेस रहेगा ये और उसकी लेंथ में चेंज रहेगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग।